ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान में और तेजी प्रदान करने के लिए संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने पूरे ब्रह्मा कुमारीज परिवार को एक अनोखी सौगात दी है। दरअसल दादी जी ने एक नई कॉम्पैक्ट वैन का उद्घाटन किया है। दिखने में तो यह एक वैन है, लेकिन यह चलता फिरता ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र है। पहले भी दादी जी ने सेवा के साधनों से लैस इस तरह की वैन का उद्घाटन किया है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के साथ राजयोग ध्यान की आम लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान कर रही है, ताकि लोगों को व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की राह दिखा सके। चलिए आपको इस अनोखी वैन से जुड़ी और कई जानकारियां देते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवाधारी भाई बहनों के द्वारा समय समय पर सेवा की नई नई युक्तियां निकाली जाती हैं, और इसी युक्तियों की कड़ी में आज एक नई युक्ति लेके बीच में उपस्थित है हमारे सेवाधारी भाई बहन। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बस आप देख रहे हैं, इसको चलाने के पीछे उनका क्या विशेष मकसद है। आइए बातचीत करते हैं अपने भाइयों से। आपको ये जो सेवा की आपने युक्ति निकाली है, इस बस में आपने एक बस बनाई है जो व्यसन मुक्ति को लेकर आप लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, और उसमें ये कुंभकर्ण का इतना विशाल आपने चित्र बनवाया है, इसकी आपको विशेष प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये तो बहुत पुराना, बहुत सालों से हमारा ये संकल्प था कि ऐसी कोई मोबाइल वैन सेवा के लिए तैयार हो। तो जब भी हमारे यहाँ प्रोग्राम सेंटर पर होते थे, कई अभियान होते थे, तो अभियान में अलग अलग प्रकार के वैन सेवा के लक्ष्य से आती थी, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। और हमारा भी कुछ कहाँ ना कहाँ ये संकल्प था कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए या ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल कॉलेज, हर जगह बाबा का संदेश पहुँचे, इस हिसाब से या इस संकल्प से हमने ये मोबाइल वैन भी तैयार की है, और इससे हमें प्रेरणा मिली है। बहुत तरह की सेवा जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान करता है ना, पब्लिक की विशेष तौर पे, तो इस सेवा में आपने विशेष किस जो है किस क्षेत्र की सेवा के बारे में आपने सोचा है, किस क्षेत्र में आप इस प्रोजेक्ट को लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं? आज समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं से हर मानव जूझ रहा है, तो हम पूरे विश्वास के साथ या निश्चय के साथ या हमारे जीवन के अनुभव के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। तो ईश्वरीय ज्ञान को हो या आध्यात्मिक जागृति हम लोगों में लाएंगे इस मोबाइल वैन के जरिए। तो विशेष करके आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग के द्वारा चरित्र निर्माण, जीवन जीने की कला, तनावमुक्त जीवन, मानसिक शांति, विश्व शांति, तन और मन का स्वास्थ्य, विशेष महिला सशक्तिकरण, व्यसन मुक्ति, और विशेष हमारे किसानों के लिए हमारी परंपरागत जो यौगिक खेती है उसका महत्व, उसकी आवश्यकता और उस खेती की विधि, इस पर ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों में जागृति लाएंगे। तो वन मैन आर्मी है ये आपकी वैन, बहुत से क्षेत्रों को छुएगी। आपने सारी मतलब मुख्य, अगर मैं पूछना चाहूँ कि मुख्य, अगर आप व्यसन मुक्ति पे ज़्यादा केंद्रित करेंगे खुद को, या जो भी जितनी भी आपने बोली हैं सबके लिए आपने अलग अलग प्रोग्राम तैयार किए हैं? समाज के हर वर्ग तक हमें पहुंचना है, हर वर्ग के लोगों तक जाना है, तो सारे विषयों को लेकर के हम सेवा करेंगे, चाहे हमारे किसान हो या हमारे युवा जो आजकल बहुत सारे व्यसनों के अधीन हो रहे हैं उनके लिए भी खास, और महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत आज बहुत चर्चा में रहती है, तो महिलाओं की सुरक्षा, तो इन सारे सवालों का जवाब हमें आध्यात्मिकता में ही मिलेगा, ईश्वरीय ज्ञान में ही मिलेगा। तो आध्यात्मिक प्रचार प्रसार ये हमारा लक्ष्य रहेगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे ब्रह्मा कुमारी के सेवाधारी भाई बहन अपनी पूरी लगन से ईश्वरीय सेवाओं को, ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुँचाने के जो है मिशन पर वो लगे हुए हैं, और आज ये बहुत ही अच्छी परियोजना, एक बहुत ही अच्छी युक्ति बाबा के बच्चों द्वारा रची गई है, हर एक क्षेत्र में ईश्वरीय संदेश को पहुंचाने के लिए, चाहे वो किसान का क्षेत्र है, चाहे वो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, चाहे वो व्यसन मुक्ति का क्षेत्र है। तो हम चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के ये प्रयास अवश्य ही एक दिन रंग लाएंगे और जन जन को ईश्वरीय संदेश के प्रति जागरूक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर से मैं कमलजीत, पीस न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ, ओम शांति। वैन द्वारा लाखों लोगों की होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए दादी रतन मोहिनी जी के अलावा
संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि दीदी, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके शीलू दीदी, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके बनारसी भाई से भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिला। महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक ईश्वरीय संदेश देने वाली इस वैन को अपने क्षेत्र में सेवा पर बुलाने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।